असलामेकुम एच टी एम एल में आज हम लाइन ब्रेक्स के कोड को देखेंगे नोट पैड या टेक्सट डॉक्यूमेंट में हम सबसे पहले एच टी एम एल का ओपनिंग टैग लिखेंगे एच टी एम एल और फिर उसके बाद इसका क्लोजिंग टैग स्लैश एच टी एम एल इन दोनों टैग्स के दरमियान मतलब ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के दरमियान हम बाकी टैक्स जो हैं वो लिखेंगे सो एच टी एम एल के बाद हमारे पास हेड एच ई ए टी हेड जो है वो उसका ओपनिंग टैग लिखा हमने और फिर उसके बाद हेड में हमारे पास टाइटल आ जाता है टी आई टी एल ई टाइटल इसका हमने ओपनिंग टैग लगाया और टाइटल में हम लिखना चाहते हैं लाइन ब्रेक एक्सैम्पल सो लाइन ब्रेक एक्सीम्पल हमने जो है वो लिखा और उसके बाद हम क्लोजिंग टैग लगाएंगे टाइटल का स्लैश टाइटल के साथ ये हमारा क्लोजिंग टैग हो गया अब हमने हेड का क्लोजिंग टैग लगाना है क्योंकि हमारा हेड जो है वो कंप्लीट हो चुका है तो क्लोजिंग टैग लगाएंगे हेड का अब हम बॉडी लिखना चाहते हैं तो बॉडी का ओपनिंग टैग लगाएंगे और फिर उसके बाद हम पैराग्राफ लिखेंगे फोर पैराग्राफ इसका ओपनिंग टैग लगाया अब इसमें हम टेक्स्ट लिखेंगे दिस इज सम टेक्स्ट ऑन द फर्स्ट लाइन फर्स्ट लाइन की हमने टेक्स्ट लिख लिया है अब इसके बाद हम लेस देन लेस देन बी आर फॉर लाइन ब्रेक और देन लिखेंगे बी आर हमने लगाया है टैग लाइन ब्रेक करने के लिए फिर सेकेंड लाइन लिखेंगे दिस इज सम टेक्स्ट ऑन द सेकेंड लाइन तो ये हमारे पास हो गया सेकेंड लाइन का टेक्स्ट। अब इसमें हम पैराग्राफ हमारे कंप्लीट हो गए तो पैराग्राफ का हम क्लोजिंग टैग लगाएंगे स्लैश पी हमने क्लोजिंग टैग लगाया अब बॉडी कंप्लीट हो गई है हमारी तो बॉडी का हम क्लोजिंग टैग लगाएंगे स्लैश बॉडी और ये हमारे पास क्लोजिंग टैग हो गया अब हम इस फ़ाइल को सेव करेंगे फाइल को हमने करना है सेव एस सेव एस और डॉक्यूमेंट में करेंगे डॉक्यूमेंट में जाके ऑल फाइल्स और ऑल फाइल्स के साथ हम यहाँ पे लिखेंगे वेब पेज डॉट एच टी एम एल इसको सेव कर देंगे अब इसको हम चेक करेंगे आउटपुट इसकी डॉक्यूमेंट में जाएंगे और ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र गूगल क्रोम में हमारे पास ये ओपन हो गया तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास हेड है टाइटल और ये हमारे पास दो लाइन है ब्रेक हुई हुई